व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी हियर। मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और रिएक्शन वीडियो। गाइस आजकल एक्सरसाइज चल रही है, किधर दिखूंगा, ये देखो थोड़ा थोड़ा बन रहा है तो 20 व्लॉग्स जाके फॉलो कर लो, नीचे चैनल का लिंक दिया हुआ है, जल्दी जल्दी उसके ऊपर वीडियोज आनी शुरू हो जाएंगी, शॉर्ट्स आनी शुरू हो जाएंगी आज से ही। और एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये वीडियो एक हिडन टैलेंट की, एक्चुअल में हिडन टैलेंट की, बिकॉज हिडन टैलेंट जो हमारे देश में है वो ऐसे ऐसे कोनों में पड़ा है जिसको एक्चुअली एक्सप्लोर करना और देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी अभी एक सिंगर है शौविक साहा, जिनके ऊपर मैंने शायद पहले भी वीडियो बनाई थी, उन्होंने अपना एक ओरिजिनल गाना डाला है बॉलीवुड बहनचोद रीमेक बनाने में शेर है, और ऐसे रियल टैलेंट को मौका नहीं मिलता, क्या बोल सकते हैं। तो अभी इन्होंने अपने ही चैनल पे ये सॉन्ग डाला है, गाने का नाम है यार बंगाली सॉन्ग है, लिरिक्स तो खैर शायद ही मुझे समझ आएंगे। इट इज़ लाइक भालो भाषा बाय बशाए नॉए, भालो भाषा बाय बशाए नॉए नॉए करके। एंड आई थिंक ऐसे यंग टैलेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए। इनके चैनल को मैं टैग कर दूंगा, तुम लोग जाके सब्सक्राइब करो, और हाँ अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे नए टैलेंट को बार बार दिखाऊंगा, ज़बरदस्ती दिखाऊंगा, और जो चाहे कर ले कोई, अपन नए टैलेंट के साथ खड़े होने से कभी पीछे हटेंगे नहीं बहनचोद। और गाइस 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स पे मिलने वाली है किसी एक सब्सक्राइबर को एपिफोन विंटेज गिटार, जो कि बहुत ही रेयर गिटार है इंडिया में और मेरी खुद की गिटार है। और अगर वो 1.5 लाख सब्सक्राइबर 31 जनवरी यानी मेरे बर्थडे से पहले हो जाते हैं तो वो गिटार मैं पर्सनली गिव अवे करूँगा। और एक और चीज़ 5 लाख सब्सक्राइबर्स पे iPhone 14 का गिव अवे पक्का है, तो भाई शेयर कर दो इस वीडियो को। शेयर इस वजह से मत करना कि गिव अवे है, इस वजह से सोचो कि गिटार अगर एक सिंगर को मिलती है उसके लिए एक ऑप्शन है, और अगर iPhone एक इंसान को मिलता है तो ही कैन बिकम अ क्रिएटर एज वेल। तो ठीक है, इस तरीके से हमें नए टैलेंट को आगे लेके आना है, सपोर्ट करना है, और जो भी गाने वो डालेंगे मैं उनको हमेशा की तरह सपोर्ट करता रहूँगा। हाँ ठीक है, नए गानों के ऊपर या फेमस सिंगर्स के गानों के ऊपर मुझे रिएक्ट करना पड़ता है क्योंकि चैनल को बड़ा करना है, इस प्लेटफॉर्म को बड़ा करना है अनडाउटेडली, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट लगेगी। गाइज अपन फटाफट सॉन्ग पर रिएक्ट करते हैं, मेरा पहला ऑफिशियल बंगाली सॉन्ग है जिसके ऊपर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, एंड शोविक ने मेरे साथ शेयर किया इंस्टाग्राम पर दैट ही हैज़ पुट अप दिस सॉन्ग, तो मैं पहली बार सुनने वाला हूँ इस गाने को, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी समथिंग न्यू फॉर मी, एंड आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, अपन देखते हैं गाना, और तुम लोग सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को भी करो, शौविक के चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ठीक है, मैं फटाफट एक बार ये गाने पे रिएक्ट कर देता हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है, इन्होंने क्रेडिट्स में कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है, एंड में आएंगे तो देखेंगे, फिलहाल देखते हैं। ये देखो यार, फ्रेंड्स ने बनाई है वीडियो, एक कैमरामैन पकड़ा, एक ड्रोन वाला पकड़ा के भाई ये गाना शूट करना है अपने को, कोई इसके अंदर फालतू का तामझाम नहीं है। इस तरह की क्रिएटिविटी को अगर हम बड़े स्केल पे लेकर जाएं तो कैसा होगा, मतलब इस टैलेंट को अगर हम बड़ा ले आए, क्यों हमें बहनचोद एक ही चीज़ें देखनी है, रीमेक्स ही देखने हैं, क्यों मेरे को समझ में नहीं आता, आई डोंट नो। ये देखो यहाँ पे इन लोगों ने कोई एक्स्ट्रा तामझाम नहीं किया है, खुद अपना एफर्ट कर रहे हैं, तीन भाई खड़े होके परफॉर्म कर रहे हैं, एंड दे हैव लिटरली कंपोज दिस सॉन्ग, तो देखते हैं। दिस इज़ अ बंगाली सॉन्ग जो हम इस टाइम पे मतलब सुन रहे हैं, लिरिक्स मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहे, लेकिन लिटरली आप क्वालिटी चेक करो, ऑडियो क्वालिटी इज़ वेरी गुड, अगर आप सुनोगे बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी में है। यार देखो, अब तुम लोग एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ बॉलीवुड के लेवल का आ जाए, उन्होंने कैसे पैसे पूसे जोड़ के इकट्ठे करके ये गाना बनाया होगा, ये वही जानते हैं। ठीक है, इस तरीके का नया टैलेंट ऐसा है कि हमें इन्हें सपोर्ट करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, चैनल ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली अगर ऐसे टैलेंट को हम आगे ले आएंगे ना, तो लिटरली मैं अगर 2023 में जो मेरा रेजोल्यूशन था कि कम से कम ऐसे सिंगर्स खड़े करूं
जो टक्कर दे अच्छे अच्छे सिंगर्स को। तो मतलब ये वो सपना है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ, और आप लोगों की पूरी सपोर्ट लगेगी गाइस, ठीक है? तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे इस गाने के बारे में कि ये गाने का मतलब क्या है। और क्षमा चाहता हूँ अगर पीछे तुम लोगों को कटर की आवाज़ सुनाई दे रही हो, बहन जो पता नहीं कौन सा मकबरा बन रहा है हमारे घर के पास, इतने दिनों से कटर ही कटर चल रहे हैं, बहन जो दिमाग खराब कर दिया इन्होंने। अबाउट अ ब्रेकअप और अ बिट्रेयल, आई डोंट नो, बताना मेरे को कमेंट्स में, वो तुम्हारा काम है भाई, मैं एक को बता देना था। कैमरामैन हैज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल, म्यूजिक तो ऑब्वियसली अच्छा है, गाया भी अच्छा है, थोड़ी मिक्सिंग मास्टरिंग बेटर हो सकती थी, लेकिन मैं ऑनेस्टली तुम्हें एक बात बताऊँ, इस तरीके का यंग टैलेंट अगर लिटरली इस बजट में ये चीज़ें ला रहा है ना, अगर इन लोगों को बजट दे दिया हमने, कहीं सपोर्ट करो यार, इनके लिए कुछ करना है यार, करना है भाई।
अच्छे कैमरामैन और अच्छे डीओपी की निशानी पता कहाँ से पता चलती है? जो यंग होते हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पे उनकी खुद की रिफ्लेक्शन दिख जाती है, पूरी वीडियो में नहीं है। किया है एंड आई थिंक दे हैव डन इट स्प्लेंडेडली वेल एंड आई थिंक ये रिक्वायर्ड था। इस तरीके के एफर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी टीम का आगे शायद नाम भी आएगा, अभी पढ़िए वीडियो एंड देखते हैं साथ साथ। स्पेशल थैंक टू मिस्टर तने दास भास्कर चक्रवर्ती। म्यूजिक किसने किया? भास्कर चक्रवर्ती। अच्छा, थैंक्स टू भास्कर चक्रवर्ती। सॉन्ग सॉन्ग राइटर एंड कंपोजर शौविक साहब, वेरी नाइस। सिंगर भी शौविक साहब, वेरी नाइस। रिदम सेक्शन एंड अकोस्टिक गिटार वॉज प्रेजेंटेड बाय प्रसन्नजीत भौमिक, वेरी वेल डन ब्रदर, कीप इट अप, इसी तरीके से करते रहो। थोड़ा मिक्सिंग मास्टरिंग पे फोकस करना जरूरी है। शनित देवनाथ, एपिक वर्क ब्रो, लीड गिटारिस्ट। सिनेमाटोग्राफी सपोर्ट सागर चंदा भाई। सागर भाई बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही फर्मेंटेड काम था, मज़ा आया देख के। सिनेमेटी सपोर्ट, मैं यार नाम इसका सागर रॉय, वेरी गुड वर्क गाइज, वेरी गुड वर्क, यू आर डूइंग रियली गुड। और जब भी तुम ये वीडियोस बनाते हो, मैं आपको बता दूँ, ये पूरी एक टीम को ना एक ही उसके अंदर रखा करो। जैसे सिनेमाटोग्राफी दो बार डाला है, क्रेडिट्स छोटे रखो ताकि सब पढ़े, ठीक है। ड्रोन शॉट्स आर बाय अमरदीप पॉल, सुपर वर्क ब्रदर, एक भी जगह ड्रोन नहीं दिखाई दिया मुझे, वेरी वेल डन। मतलब एक भी जगह ड्रोन नहीं दिखाई गया का मतलब ये होता है कि उसकी रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दी। क्रू सपोर्ट वॉज आकाश दत्ता भाई, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो ओवरऑल सारे। कास्ट एंड एंकर वॉज सृष्टि सरकार, ओके। अब आता है पार्ट रिकॉर्डिंग मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, शौविक साहा वाइब्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो अगरतला। तो देखो गाइज, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, थोड़ी सी बेटर, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ना एक होता है, या तो म्यूजिक ओवर पावर कर जाए या लिरिक्स ओवर पावर कर जाए और वोकल्स ओवर पावर कर जाए, ठीक है। ये तीन पार्ट्स हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं कहीं पे जाके ना म्यूजिक और वोकल्स एक जैसे मर्ज होते लग रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कि इधर जाऊँ मैं उधर जाऊँ। तो ये एक ऑनेस्ट ओपिनियन है, क्षमा चाहता हूँ, अगर बुरा लगे तो माफी है भैया हाथ जोड़ के। एंड भाई बहुत ही बढ़िया, एंड इस तरीके का एफर्ट आप करते रहो यार, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब नया टैलेंट कुछ करता है, एंड हमें नए टैलेंट को ही सपोर्ट करना है, मुझे इतना समझ में आ गया है। एंड गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाओ, बिकॉज यही वो टैलेंट है जो एक्चुअली हमारे देश को, हमारे देश के म्यूज़िक को आगे लेके जाएगा। जय हिंद, मिलता हूँ अगली वीडियो में।